गाइस राइस बन के रेडी हो गए। अब इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। इसके देखिए दाना दाना खिल के आया है राइस का। आप ऐसे बनाए राइस आपके बच्चे। तो गाइस आज मैं आपको जीरे वाले राइस बनाना बताती हूँ कि आप इसको कैसे बनाएं, किले किले बनेंगे। ये एक मैंने गिलास दो गिलास लिए सॉरी, मैं गिलास के साथ ही मेजरमेंट अपना लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपना बर्तन कोई ले सकते हो। इसको ये देखो कितने अच्छे राइस हैं। अब मैं इसको आधा घंटा या 15 मिनट के लिए आप भिगो सकते हो, बट पहले इसको अच्छी तरह वॉश करें। इसको हमें पाउडर निकालना होता है, इसका अच्छी तरह स्टार्च होता है। जितना आप मल के इसको निकालेंगे उतना इसका कितना धुंधला धुंधला पानी हो गया। अब इसको हम निकाल देते हैं वाटर को, क्लीन अप करते हैं। और तीन चार बार अच्छी तरह इसको वॉश करें। जितनी देर ये वाटर आपका वाइट वाइट निकलेगा धुंधला धुंधला, उतनी देर आप इसको बार हमने इसको वॉश किया था। देखिए अब इसको आधा घंटा के लिए हम डिप रहने देते हैं इसमें पानी में। फिर अब इसको हम लगाएंगे जीरे का चौक लगा के इसको बनाएंगे। आधा घंटे के लिए हम इसको डिप रहने देते हैं वाटर में, या 20 मिनट या आधे घंटे तक। अगर आपके पुराने राइस है तो आधे घंटे तक, नहीं तो आप 20 मिनट तक भी आप इसको डिप करके पैन रख दिया। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और 1 टी स्पून क्यूमिन सीड डालूंगी। ऑयल मेरा गर्म हो गया, इसमें मैं 1/2 टी स्पून क्यूमिन सीड डाले है जीरा। जीरा थोड़ा क्रैकर हो जाएगा तो फिर इसमें मोटर डाल के ऐड कर देती हूँ। 2 ग्लास मैंने राइस डाले थे और 4 ग्लास में वाटर डालूंगी। इसमें मैंने 4 ग्लास वाटर ऐड कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। 1/2 टी स्पून सॉल्ट डालूंगी। हमारे घर में जीरा वाले और सॉल्ट वाले राइस खाते, प्लेन नहीं खाते, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप भी ऐसे बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनते हैं राइस। अब इसका ऑयल आने पे मैं इसके इसमें राइस डालूँगी। बहुत किले किले राइस बनते हैं गाइस। देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया। अब इसमें हम राइस डाल देते हैं, उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ये सारे राइस मैंने डाल देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हो गए हैं सॉफ्ट। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें राइस डाले। अब इसको थोड़ा सा एक बॉइल आने तक, फिर इसको हम स्लो फ्लेम में कर देंगे, ढक देंगे। गाइस देखिए अब इसमें बॉइल आ गया है। अब इसको हम लिड से ढक देते हैं। अब इसको हम लिड से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में रख देते हैं, फिर हमारे ये राइस बन जाएंगे। तो फिर आपको बताएंगे कि कैसे किले किले ये राइस बने हैं, जीरे वाले राइस। आप ट्राई ज़रूर करें, शुरू से लेकर एंड तक मेरी रेसिपी देखा करें। देखिए गाइस राइस बन के रेडी हो गए। अब इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। इसके देखिए दाना दाना खिल के आया है राइस का। आप ऐसे बनाए राइस आपके बच्चे।